क्या सोनू भाई, मैच तो होना चाहिए था ना? मैच तो होना चाहिए था, कमेटी का मन ही नहीं कराने का। विकेट बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ विकेट है, फाटा विकेट है, तो मुझे तो लग रहा है मैच होना चाहिए। मैच 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है, जस्ट अगस्त के बाद अगले दिन मैच होगा। मैच कैंसिल करवा दिए? नहीं, हम नहीं करवाए हैं, ये बस रात में बारिश हो गया इसके वजह से मैच कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर नीचे जाएं तो पूरा नीचे ही जाते रहेंगे, ये देख सकते हैं चारों बगल पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए चढ़ावट के टाइम पे, अभी 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं, अब पैर दर्द करने लगा। जोरमा पहाड़ी, जोरमा पहाड़ी भगवान शिव का प्रतिमा है वहाँ है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं पीछे ये होटल, तो अभी मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में रुका हुआ हूँ, अभी मैं होटल पे हूँ। और गाइज मैं बता दूँ कि मैं परसों ही आ चुका था यहाँ पे, और आपने जैसा कि ब्लॉग देखा बनारस का, लेकिन बनारस गाइज यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। मैं बनारस नहीं आया था खेलने के लिए, मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में हूँ, और आज हम लोग का नाइट में मैच है, तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच होने वाला है गाइज, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था, तो कहीं मुझे डर है कि ऐसा कि कहीं मैच ना कैंसिल हो जाए। और गाइज आप यहाँ पे मिल सकते हैं सोनू भाई, जो कि रात का सफ़र करते हुए आए। कैसा रहा रात का सफ़र? मस्त रहा, और थोड़ा सा ट्रेन का सफ़र जानते ही हैं आप लोग कैसा रहता है। तो गाइस मैं बता दूं कि पटना से इन्होंने 7 बजे ट्रेन पकड़ा था, और रात में 3 बजे ट्रेन आती है, लेकिन 1 घंटा और लेट थी, तो 4 बजे ट्रेन आई है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेशन था? नगर उटारी स्टेशन। तो अच्छे से पता भी नहीं था गाइज, मुझे भी इसी वजह से, मुझे भी अच्छे से पता नहीं था कि नगर उटारी कहाँ पड़ता है, इसलिए इन्होंने बोला था कि बनारस आना है मैच खेलने के लिए, तो मैंने हाँ बोल दिया था। और नींद पूरा हुआ? हल्का फुल्का। तो कैसा लगेगा आज का मैच? मैच तो बहुत अच्छा लगेगा, और देखो रात का मैच है, बिट्टू भी आए हुए हैं, हम भी हैं, कोशिश करेंगे अच्छा करने का, और बिट्टू तो तोड़ना है सबको एकदम। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बारिश हुआ था आज, तो हम लोग अभी जाएंगे घूमने के लिए ग्राउंड, देखते हैं कि ग्राउंड में क्या सिचुएशन है। तो गाइज अभी हम लोग सब बाहर आ चुके हैं, और यहाँ देख, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मंटू भैया और चंदन भैया बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी कहाँ ग्राउंड चलना है? ग्राउंड चलना है हम लोग को। ओके, तो अभी निकलते हैं हम लोग ग्राउंड। फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ ग्राउंड, और यहाँ के ग्राउंड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है मैच होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मैच होगा या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड बिल्कुल साइड पूरा बारिश पड़ा था रात में, तो बिल्कुल ये ख़राब लग रहा है। लेकिन गाइज आप विकेट देख सकते हैं, विकेट बिल्कुल सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ विकेट है, फाटा विकेट है, तो मुझे तो लग रहा है मैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ की कमेटी थोड़ा बोल रही है कि मैच नहीं होगा क्योंकि आउटफील्ड खराब है। तो यहाँ पे आप गाइस मिल सकते हैं कमेटी के मेंबर। आपका नाम क्या भैया? मनीष मदेसिया, कोसा अध्यक्ष टूर्नामेंट। तो आज मैच होना चाहिए था ना? नहीं भैया, मैच तो हुआ था, कल पूरा तैयारी हुआ था, ग्राउंड को पूरा बनाया गया था, तो आज रात में बारिश होने की वजह से ग्राउंड नहीं हो पाएगा, सूख नहीं पाएगा, तो मैच 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है, जस्ट अगस्त के बाद अगले दिन मैच होगा। क्या सोनू भाई, मैच तो होना चाहिए था ना? मैच तो होना चाहिए था, कमेटी का मन ही नहीं कराने का। तो गाइस सही में ऐसा लग रहा है कि कमेटी का मन नहीं है कराने का, जैसा कि मतलब ग्राउंड और मैच जैसा विकेट। मैं नाइट मैच है, ठीक है, अभी 3-4-5 कम से कम 5 घंटे 8 घंटे बोलो, 8 घंटा कम से कम, मैंने 2 घंटा भी ग्राउंड में करेगा ना तो मैच हो जाएगा, और कमेटी का मन ही नहीं कराने का तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कमेटी का मन नहीं है, जैसा कि सोनू भाई ने कहा। और विकेट आप देख सकते हैं, विकेट बिल्कुल सूखा हुआ है। क्या सुनो भाई, विकेट कैसा है? एक घंटा में आउट टाइट हो जाएगा विकेट। विकेट एकदम सूखा हुआ है गाइस, विकेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमेटी यहाँ की थोड़ा मना कर दिया गया है, तो यही इसी ग्राउंड में मैच होता आज, लेकिन अब मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे आप मिल सकते हैं मंटू भैया। हाँ भाई, मैच होना चाहिए था ना यार, मतलब बता नहीं सकते, मतलब कितना, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब साला
वर्ल्ड कप वाली फील आ रही थी यार, लग रहा था कि मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे इस मैच के लिए, मैच नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मतलब क्या, मतलब हम लोग बता नहीं पा रहे हैं मतलब अपने आप से। लेकिन मैच जानते हैं, ऐसा ग्राउंड देख के मुझे फील हो रहा है कि मैच होना चाहिए था। हुआ क्या ना, ये कल जो मिट्टी का फीलिंग हुआ ना, ये चीज आज होना चाहिए था। ये मैं भी बोला था, मैं बस बोला था इन लोगों से भाई कल मत करा ले, आज करा लो। इससे होता क्या ना कि आज जो कराओगे तो कुछ मिट्टी टाइट रहता और जिसकी वजह से ना मैच ईजी हो जाता। मैच कैंसिल करवा दिए? नहीं, हम नहीं करवाए हैं, ये बस रात में बारिश हो गया इसके वजह से मैच कैंसिल हो गया, और कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता था, बट कमेटी का इसमें कुछ लोचा लग रहा है 3-5, जो कमेटी नहीं चाहती है कि वो फाइनल पहुंच गई है ना कमेटी, इसके चलते वो सोच रही है हमसे कि डर, और बिट्टू भैया भी थोड़ा सा है ना। देखिए थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, यहाँ के भी लड़के लोग देखेंगे ब्लॉग। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, कि आपका थोड़ा अलग लेवल का क्रेज है ना। अच्छा, इसी के चलते वो डर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसलिए मैच आज का कैंसिल कर दिया गया। तो गाइस आज तो मैच कैंसिल हो गया, अब तो मैं घर निकल जाऊंगा, और शायद यहाँ 2-3 दिन के बाद ही मैच हो, शायद 2 महीने बोल दियो, मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल कहाँ नहीं जाए, लेकिन ऐसा बोला गया कि 2 महीने के बाद होगा। तो फिलहाल गौरव भैया कहीं चलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो अभी का नाश्ता हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं पूरी सब्जी और यहाँ पे जलेबी। तो अभी हम लोग फिनिश करते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं आप राकेश भैया। तो अभी हम लोग को कहाँ जाना है राकेश भैया? जोरमा पहाड़ी। जोरमा पहाड़ी, भगवान शिव का प्रतिमा है वहाँ एक। अच्छा, वहाँ जो भी जाता है उसका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आप लोग को भी समय मिले तो एक बार जोरमा पहाड़ी दर्शन करने जरूर आइए। बहुत वही ऊँची पहाड़ी है, वहाँ हर किसी की मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। तो गाइस जो भी मनोकामना है वहाँ पे पूर्ण होता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कार रेडी है हम लोग का, तभी हम लोग निकलते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 2, ये दोनों कार हैं, और अभी हम लोग चलेंगे सब घूमने के लिए पहाड़ पे। पहाड़ पे एक मंदिर है, तभी हम लोग वहीं चलेंगे। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जोरमा पहाड़, सोनभद्र जिला में ये पड़ता है यूपी। और देख सकते हैं हमारे साथ भैया लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर भी गए 7, तो हम लोग टोटल 7-8 लड़के आए हैं घूमने के लिए। और ये जोरमा पहाड़ काफ़ी विशाल है और काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, तभी हम लोग चलते हैं ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ से इस टाइप से बना हुआ है सीमेंटेड का, और ऊपर भैया लोग बिल्कुल चढ़े जा रहे हैं। ये देखिए ये सीढ़ी, और काफी ऊंचाई पे है। ओए यहाँ से कैसे निकलना है, ये यहाँ पे टूटा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। गाइज अभी 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़े हैं और पैर दर्द करने लगा, फिर भी जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। और आप देख सकते हैं अभी हम लोग का कार नीचे में है, और यहाँ भैया लोग मस्त पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और ऐसा हुआ कि मैं मतलब हंसने लगा, बताइए 100 सीढ़ी भी नहीं चढ़े हंसने लगे। ये देख सकते हैं गाइज आप नीचे का व्यू देखिए, हम लोग का कार वहाँ पे लगा हुआ है, और ये देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। थक गए, झाड़ी के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, और यह 74 kg, क्या पता चल रहा है 74 kg बुझा जा रहा है, बुझा जा रहा है, और तो अभी और ऊपर जाना है, ऊपर जाना भी है। सबसे अच्छा ये भैया है, व्यवस्था लेके जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गया, हालत खराब हो गया पूरी तरह से। ये 74 kg पानी चाहिए, पानी चाहिए, हम बोले थे पहले ही कि पानी ले लीजिएगा, पानी तो चाहिए। और देख सकते हैं कि एक बॉटल पानी उतना निकल जा रहा है, निकल जा रहा है, और काफी ज्यादा पसीना भी चल रहा है, और अभी तो चढ़े भी नहीं है, आधा भी नहीं चढ़े हैं, अभी तो और ऊपर चढ़ना है। ये देखिए चढ़ावट के टाइम पे पूरा सुस्त पड़े हुए हैं। चढ़िए, अंतिम चढ़े, लगाई जोड़, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तो फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं ऊपर, ये आपको मंदिर दिख रहा होगा ऊपर। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं ऊपर मंदिर के पास, और यहां देख सकते हैं भैया लोग सब आ चुके हैं। क्या भैया थक गए? थका हुआ तो लग रहा है, लेकिन चढ़ने के बाद थोड़ा आराम मिला भगवान के दरबार में पहुँचने के बाद, और काफी अच्छा लग रहा है हवा। अच्छा, इतना अच्छा हवा लग रहा है शायद घर पना लगा। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं तो पूरा पसीने से भींग गया हूँ, और पूरा देख रहे, और मैं ब्लैक ब्लैक टी शर्ट, तो पूरा मैं भींग गया। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी भाई ने टी शर्ट खोल के यहाँ बैठा हुआ था, चंदन भाई,
तो यहाँ काफ़ी प्यारा व्यू है, इस साइड देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे पूजा किया जाता है और ये मंदिर है और ऊपर भी एक मंदिर है, वो भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा किया जाता है और इस साइड भी यहाँ पे पूजा किया जाता है और यहाँ पे ये मंदिर है और ऊपर एक मंदिर आपको दिख रहा होगा, तो वो ऊपर वो भोलेनाथ जी का मंदिर है और इस साइड ये पहाड़ और यहाँ का आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये देखिए, यहाँ मैं अभी बहुत ऊँचे पे हूँ और यहाँ से नीचे का व्यू देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम लोग सबसे ऊपर वाले मंदिर में हैं और ये रहा मंदिर और यहाँ से जो व्यू है ना, काफ़ी तगड़ा व्यू है और यहाँ से अगर नीचे जाएं तो पूरा नीचे ही जाते रहेंगे। ये देख सकते हैं चारों बगल पहाड़ी पहाड़ है और आपको वीडियो में तो उतना खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन गाइस रियली में आप आओगे ना तो आपको ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस साइड, तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ सोनू भाई मस्त बैठे हुए हैं। भाई गिर मत जाना यार, अरे गिरेंगे तो बेटा तुम ले ही जाएगा। ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए डायरेक्ट नीचे चले जाओगे। और आपका नाश्ता कहाँ है भैया? रखे हुए, चलिए नाश्ता होकर फिर होगा। और ये देख सकते हैं भैया बिल्कुल नाश्ता लेके आए थे पहाड़ के ऊपर, तो अभी हम लोग अब नाश्ता फिनिश करेंगे। लोग सब पहाड़ के ऊपर बैठ के यहाँ मस्त अब नाश्ता वास्ता करते हैं, नाश्ता फिनिश करते हैं और फिर निकलेंगे नीचे। तभी हम लोग सब बैठे हुए और मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ इसलिए देख सकते हैं कहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ से अगर एक स्टेप नीचे हुआ तो डायरेक्ट नीचे, ये देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर। तो फाइनली गाइज ऊपर काफ़ी मज़ा आया और हम लोग नाश्ता वगैरह सब ऊपर मस्त किए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अब हम लोग चलते हैं नीचे, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ही हमारे टीम के मेम्बर लोग हैं और इस साइड ऊपर सोनू और चंदन भाई बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आज मैच नहीं हुआ और चंदन हमारी टीम का कैप्टन था गाइस, और आज मैच नहीं होने के कारण वो बहुत उदास है और ये मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो 2 महीने के बाद होगा और होगा भी या नहीं होगा वो भी पता नहीं, इसलिए बेचारा जब से आया है उदास बैठा हुआ है, एक बार ही बात भी नहीं कर रहा है। फिलहाल कोई नहीं, उससे भी बात करवाएंगे लास्ट टाइम पे, अभी हम लोग चलते हैं अब नीचे। तो फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं नीचे और ये देख सकते हैं ये पहाड़ था जहाँ पे हम लोग ऊपर गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पहाड़ पे घूमने में। और अब हम लोग निकलते हैं रूम पे। तो गाइस अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं और फाइनली चंदन से मैं मिलाना चाहूँगा आपको, चंदन भाई बहुत अच्छे हैं ये, और अब चलते हैं फिर, ठीक है भैया, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो गाइस रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया घूमने में और अभी फ़िलहाल अब हम लोग निकलते हैं घर, यहाँ से पटना और पटना से बड़ी एयरपोर्ट।